यूक्रेन की विंटर वॉर रणनीति को लेकर क्या बड़ा खुलासा हुआ? नेटो की न्यूक्लियर जंगी तैयारी पर किसने खुलासा किया और किसने कहा कि नेटो संगठन रूस यूक्रेन जंग में शामिल हो सकता है? जंग से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए अब आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन टॉप 9। रशियन बमबारी में यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। बदले की आग यूक्रेनी जवानों के दिलों में धधक रही है। वीडियो रूसी कब्जे वाले डोनेस्क के जंगी मैदान का है, जहां यूक्रेनी सैनिक रशियन जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे। यूक्रेन की विंटर वॉर रणनीति का खुलासा हुआ है, जिसमें रूस की सप्लाई लाइन पर हमले की प्लानिंग की जा रही है। अब जर्मनी और अमेरिकी मिसाइल से यूक्रेन क्रीमिया पर हवाई हमले तेज करेगा। ये खबर ब्रिटिश डिफेंस स्टाफ चीफ के हवाले से आई है। रूसी जवानों के न्यूक्लियर युद्धाभ्यास के बीच नाटो के न्यूक्लियर अटैक की तैयारी का खुलासा हुआ है। खबर है कि रूस के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैयार करने में नाटो जुटा है। नाटो ने इसे लेकर पेंटागन के पूर्व अधिकारी ग्रेगी वीवर ने लेख लिखा है। रूस यूक्रेन जंग वर्ल्ड वार में बदल सकती है। यूक्रेन युद्ध में नाटो सीधे शामिल हो सकता है। ये दावा नाटो सदस्य लिथुआनिया के पूर्व जज डेनियस जालिमास के हवाले से आया है, जिनका कहना है कि रूस पर हमले के लिए यूक्रेन का नाटो सदस्य होना जरूरी नहीं है। ज़ेपोरिज़िया का अधिकतर हिस्सा रूस के कब्जे में है। वीडियो रूसी कब्जे वाले ज़ेपोरिज़िया के टोकमक का है। यहाँ यूक्रेन ने GMLRS गाइडेड मिसाइल से रूसी सैन्य अड्डे पर हमला किया, जिसमें रूसी एयर डिफेंस सिस्टम 9 के 331 TORM जलकर खाक हो गया। यूक्रेन को जर्मनी से टॉरस क्रूज मिसाइल मिल सकती है। जर्मन संसद बुंडेस्टैग में रक्षा समिति के चीफ जिमरमैन ने सरकार से टॉरस मिसाइल यूक्रेन को देने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि अगर पश्चिम साथ नहीं देता तो यूक्रेन नष्ट हो चुका होता। यूक्रेनी एयर डिफेंस का दावा है कि जर्मनी की टॉरस क्रूज मिसाइल के नाम से रशियन फोर्स में खलबली मची हुई है। यूक्रेन को पूरी उम्मीद है कि जर्मनी से उसे जल्द ही टॉरस क्रूज मिसाइल मिलेंगी, जो कि 300 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। फिनलैंड की रूस के खिलाफ जंगी तैयारी को लेकर खुलासा हुआ है। खबर है कि रूसी बॉर्डर पर फिनलैंड ट्रेंच बना रहा है। फिनलैंड की सेना दिन रात बॉर्डर के पास बंकर और बैरियर बनाने में जुटी है। जमीन के लिए किसानों से 20 साल का एग्रीमेंट फिनलैंड में किया जा रहा है। यूक्रेन के हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने बड़ा फैसला किया है। 7 यूरोपीय देश यूक्रेन के लिए हथियार खरीदेंगे, जिस पर 2 बिलियन यूरो खर्च किए जाएंगे। यूक्रेन के लिए 10 लाख शेल्स खरीदने का फैसला किया गया है।